हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट के बारे में। अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, या अगर कोई टेबल के अंदर जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट डिलीट स्टेटमेंट अगर हम यूज करें तो वो पूरा पूरा जो भी उसके अंदर टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स होंगी वो सारी एक बार में ही डिलीट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप कोई स्पेसिफिक फील्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आपको वेयर क्लॉज, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, वेयर क्लॉज एक यूज करेंगे, यानी कि कंडीशन बेस्ड होगा। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो सिर्फ वो स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट करें। तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें डिलीट करने से पहले। आप डायरेक्टली अगर आप पूरे पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बेशक लगा सकते हैं डिलीट को, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप वेयर कंडीशन को लगाना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं कि एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल क्वेरी में। यहाँ पे मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ। ये है टेबल हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि एड्रेस यहाँ पे अभी तीन सेम है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो फील्ड डिलीट हो जाए जिसके एड्रेस ये HYD हो, वो फील्ड डिलीट हो जाए इस रिकॉर्ड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HYD, यहाँ पे ये तीन रो के अंदर है ये। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन लगाता हूँ वेयर क्लॉज में, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू HYD, देन ये तीनों रो एक साथ डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों की जो एड्रेस है वो HYD है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिलीट स्टेटमेंट लिखते हैं स्टार्टिंग में। डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे हम टेबल नेम लिखते हैं स्टूडेंट वेयर। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अगर पूरे पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ पे लगा के सिंपल डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर हम ये नहीं लिखते हैं, वेयर नहीं लिख के अगर यहाँ पे सेमी कोलन लगा के रन करते हैं तो ये पूरे पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। लेकिन हमें अभी पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना नहीं है। अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट करना है तो आप ऐसे वेयर क्लॉज को ध्यान से लगाइए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो आप कि पूरी पूरी जो टेबल की रिकॉर्ड है वो सारी डिलीट हो जाएगी एक बार में ही। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देते हैं वेयर एड्रेस इक्वल्स टू यहाँ पे एड्रेस HYD सेमीकोलन। अब देखिए, ये उस फील्ड को डिलीट करेगा जिसकी एड्रेस HYD है। यानी कि यहाँ पे तीन एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस तीनों की सेम है, तो ये तीनों रो एक साथ डिलीट हो जाएंगी। इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, थ्री रोज डिलीटेड, एक ही बार में तीनों रो डिलीट हो गई, क्योंकि उनकी एड्रेस जो थी वो सेम थी। ये रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं, ये देखिए डिलीट हो गया सारा। अब दोस्तों, अगर हम एक बार में ही पूरे टेबल को डिलीट करना चाहें तो अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे सिंपल आप कीवर्ड यूज़ करिए, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है डिलीट स्टेटमेंट, ये यूज़ करिए, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम यहाँ पे आप डाल दीजिए जो आपका टेबल नेम था। इससे क्या होगा कि ये जितनी भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, ये सारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये जो स्कीमा है, यानी कि इसका जो लेआउट है, यानी कि नेम, एड्रेस और आईडी, ये सारी फील्ड ये एसटीज रहेंगे। सिर्फ यहाँ की जो डेटा ये अंदर की है ये सारी डिलीट हो जाएंगे। ये स्कीमा रिमेन रहेगा और बाकी ये सारी डेटा डिलीट हो जाएंगी। रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप स्टार को हटा के एक बार फिर देखिए, ये देखिए सारी जो भी डेटा थी वो आपका डिलीट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये स्टार यहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन आप स्टार हटा के भी आप देख सकते हैं ये डेटा डिलीट हो जाएगा, आपका पूरा टेबल के अंदर की डेटा डिलीट हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम डिलीट स्टेटमेंट को अपने एसक्यूएल क्वेरी में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।